आज तुम बारी में अंदर क्यों नहीं आए? सीमा, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे ये बड़े बड़े दोस्तों के बीच में आने में मुझे शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो मैं दरवाजे तक भी इसलिए आ गया ताकि तुम्हें बता दूं कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। क्या? इतने दिनों में मैं क्या करूंगी? तुम वो चार्ली चैपलिन के साथ काम चला लेना। गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो कहीं चल के रगड़ा प्रैक्टिस कर ले। मैं तुम्हें कड़क वार्निंग दे रहा हूँ। आ गया हमारा ये। सीमा बेटी को जो लड़का देखने आने वाला था वो आ चुका है, लेकिन तुम छोटे छोटे लोग उनके सामने नहीं आना। चोपड़ा पैरिस के साथ खराब हो जाएगी, समझे? और आज एक खास चाय बनेगी, खास मौकों पर खास चाय, जिसे पीकर लड़का शादी के लिए फौरन हाँ कर देगा। और वो चाय मैं बनाऊंगा। बाबूलाल, कभी तुम्हारे बाप ने भी चाय बनाई? बाप का नाम मत ले, वो तो कॉफी बनाते थे। तो पिलाओ। हाँ, आज मैं केसर वाली चाय बनाऊंगा। ये केसर नहीं, हल्दी है। तुझे बड़ी जल्दी है चुब्बे मोटे। तो इससे अरे यहाँ गड़बड़ सड़बड़ कही रहा है, वहाँ मेहमान चाय की खातिर बैठे हैं। देखो मदन जी, मारो एक को एक छोरो है, मारो जो कुछ भी है सारो इसको ही है ना। हमारी तीन फैक्ट्री है, उसमें सारो प्लास्टिक को सामान बने हैं, कभी डब्बा बाल्टी और टम्बलर की जरूरत होवे नाने के लिए तो मैंने बोल दी जो फटाफट। बाबूला रुक जाओ, ए चुप, और खबर तो लोग बाहर आना नहीं, समझे? तालियां। हाँ, ये उबला हुआ पानी लेके गए, चाय पत्ती तो डाली, ऊपर से पानी में नमक डाल दिया। मारो छोरो है। एक तो एक है। सिंगानिया साहब का फोन है। Excuse me, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। जाओ भाया, धंधो पहले। अरे सिंगानिया साहब को बाल्टी और टम्बलर की जरूरत हुए तो मारो नाम सजेस्ट कर दीजो, चाय बना फटाफट, सब कुछ अपना ही है। अरे मारो छोरो, अमेरिका से पढ़ के आयो है, मन की हो गए तो अंग्रेजी में बात करके खातरी कर लियो फटाफट। मारो कुरकुरियो। क्या है, इसमें तो चाय की पत्ती नहीं है। अरे बड़े लोगों की चाय ऐसी ही होती है, क्या फटाफट। आओ भाया आओ। अरे भाई, आप लोगों ने चाय वाय पी कि नहीं? अरे भाया, आपके घर की चाय तो अमृत है, अमृत। क्यों बेटा? सीमा आ गई। हाय, तुझे एक सरप्राइज देती हूँ। क्या सरप्राइज? चल ना। आओ सीमा बेटी। हेलो, ये मेरी बेटी सीमा है। सीमा, ये बजोड़िया से है। हेलो 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 बेटी। मारी तो बात समझ में आ गई भाया, इन दोनों को देखते ही, ये राम और सीता की जोड़ी है, बस अब शादी के लिए फटाफट हाँ कह दो। ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर अगले हफ्ते मंगनी तय कर लेते हैं। सीमा,
सीमा तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम तो जानते हो ना कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है कि मैं तुम्हारे डैडी के सामने आकर उनसे बात कर सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम डैडी से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर उन्हें राजी कर लूंगी। लेकिन सीमा, अजय हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, अगले हफ्ते से डैडी ने मेरी मंगनी तय कर दी है। ठीक है सीमा, तुम मुझसे कल मिलो, मैं कोई रास्ता सोचता हूँ। ओके। इसकी महबूबा बैठी हुई है, ये सीमा तुम वही शादी कर लो जहां तुम्हारे डैडी चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने बहुत सोचा है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, मुझे रास्ता नहीं, मंजिल चाहिए, और मेरी मंजिल तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो फिर हमारे सामने एक ही सूरत बची है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर सकती है। क्या? खुदकुशी। तुम्हें मंजूर है? अगर हमारे प्यार का अंजाम मौत ही है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूं। मैं अजय शर्मा अपने होशो हवास में लिख रहा हूं। मैं सीमा चोपड़ा अपने होशो हवास में लिख रही हूं कि मैं किसी दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। खुदकुशी कर रही हूं। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है। लो, इस पर साइन करो। धत। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम पास हो गए, 100% मार्क्स। 100% मार्क्स? हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान। फिर ये सुसाइड नोट? खुदकुशी तो बुजदिल करते हैं, और अजय इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से जिंदगी की जंग हार जाए। हम कल ही चलकर कोर्ट में शादी करेंगे, तुम ठीक 1 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तो तुम खुश हो? पार्ट भी एंड हो गया, लेकिन मजा आ गया जो भी अभी तक देखा ना बाजीगर मूवी में। यार कि किंग खान कर क्या रहा है, दोनों लड़कियों के साथ ये प्यार भी कर रहा है, और एक बेचारी तो मतलब खुदकुशी करने के लिए भी राजी हो गई, मेरी मंजिल तुम ही हो, मुझे तुम ही चाहिए। लेकिन किंग खान ने हौसला दिया कि शादी करेंगे, अब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि दूसरी तरफ वो भी भाई पागल है, वो भी एकदम ही बोल दिया था कि मेरा दिल आ गया, मोहब्बत है, इश्क हो गया है उससे, अब क्या होगा कुछ पता नहीं, बट मज़ा आ रहा है इस बाजीगर मूवी में। क्या भाई, इसके अंदाज, इसके गाने, सब कुछ हमें अच्छा लग रहा है।